हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, बीपीएससी के लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी का जो प्रीलिम्स आने वाला है 16 दिसंबर के लिए, उसके लिए पॉलिटी। जैसे आपको पता है 12 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट बिहार की राजनीति से इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन सिर्फ चेंज हो जाते हैं, मतलब ठीक है ना, मतलब बाकी सब कुछ तो वही रहता है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, जब प्रेसिडेंट को चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, कौन ओथ ले, कौन शपथ ग्रहण समारोह में कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, यही सब होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर। थैंक यू। देखिए फ्रेंड, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तीन चीज़ करेंगे कि बिहार एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, बिहार एग्जीक्यूटिव, उसके बाद मतलब कार्यपालिका, उसके बाद बिहार की लेजिस्लेटिव यानी न्यायपालिका, मतलब कि विधायिका, और बिहार की न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी, तीनों के बारे में डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये सब जानने से पहले आपको तीन चीज़ पता होने चाहिए। बिहार का गवर्नर कौन है अभी? लालजी टंडन जी है। और इससे पहले जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो कहाँ पे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और थर्ड चीज़, बिहार के एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार कौन है, मतलब एडवोकेट जनरल जो बिहार इनके गवर्नमेंट के, वो कौन है, वो आपको पता होना चाहिए। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही होगा। और ठीक है, इतना ही चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, मतलब इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सेकेंड है, द हेड ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, जो हेड ऑफ स्टेट ऑफ बिहार यानी जो गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट। देखिए, प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द सेंटर होते हैं, मतलब हेड ऑफ द इंडिया की बात करें, हेड ऑफ द स्टेट अगर इंडिया की बात करें तो उसके प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन किसी स्टेट के हेड गवर्नर होते हैं, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही वो काम करते हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट कभी भी उनको हटा सकते हैं, या उनके पास ये भी, प्रेसिडेंट इनको ये भी बोल सकते हैं कि आप दो जगह के गवर्नर भी बन सकते हो, एक साथ दो स्टेट का, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, तो यानी इसका आंसर होगा ये। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल, मतलब संविधान के कौन से वो आर्टिकल, मतलब संविधान में कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट के बारे में, टेन्योर कितना टाइम फ्रेम होगा, मतलब अपॉइंटमेंट कौन करेगा, टेन्योर कितना होगा, इलेक्शन कैसे होगा, और पावर क्या क्या है इन सब गवर्नर के पास, जैसे गवर्नर के पास पावर क्या है, गवर्नर का इलेक्शन कैसे होगा, टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है टाइम फ्रेम, कितने दिनों के लिए होगा, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये सब हमारे आर्टिकल 153 to 161 में दिया हुआ है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ, गवर्नर कितने दिनों के लिए ऑफिस करता है, देखिए ये तो मैक्सिमम होता है 5 ईयर, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि गवर्नर को कभी भी हटा दिया जा सकता है, मतलब ऐसा कोई कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि इनका, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इनका 5 साल होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ कि गवर्नमेंट एड, देखिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, दो गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर के पास दो रोल होता है, एक एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं कि प्रेसिडेंट को बताना, प्रेसिडेंट उनसे कुछ भी मांग सकते हैं स्टेट के बारे में, और दूसरा हेड ऑफ स्टेट होते हैं। और इनका कहीं पे ऐसा नहीं है, देखिए 5 साल ज़रूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है कि कितना टाइम पर, मैक्सिमम 5 साल रह सकते हैं और दोबारा भी बन सकते हैं, भी पता है। गवर्नर रिमेन इन ऑफिस एट अ प्लेजर ऑफ, किसके प्लेजर पे, प्रेसिडेंट ऑब्वियसली उन्हीं के तो एजेंट है ना। ऑल द मिनिस्टर वेयर एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ बाय होम ऑफ द फॉलोइंग, जो मिनिस्टर को ओथ समारोह करते हैं, मतलब शपथ ग्रहण होता है, शपथ ग्रहण होता है, वो कौन करवाते हैं, गवर्नर करवाते हैं, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर जेम्स सिफ्टॉन, अभी आपको नया वाला पता है, लालजी टंडन, ठीक है। आपको ये पता है कि बिहार जो इंडिपेंडेंट, जो मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पहला गवर्नमेंट गवर्नर कौन था, ठीक है, पता है, जैसे जयराम दास दौलत राम था, मतलब आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नर जो पहला गवर्नर थे वो थे जयराम दास दौलत राम, पहले चीफ मिनिस्टर कृष्णा सिंह। द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ बिहार वॉज फॉर्म्ड इन 1946, ठीक है। हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, ऑब्वियसली गवर्नमेंट, गवर्नर, लेकिन गवर्नमेंट, गवर्नर के पास ऐसा नहीं पावर होता कि किसी को अपॉइंट कर ले, नहीं, गवर्नर हमेशा
जो मेजोरिटी पार्टी होती है जिसके पास इतना, देख गवर्नर सोच लेते कि इनके पास मतलब ये फ्लोर पे, फ्लोर टेस्ट पे क्या कर सकते हैं, मेजोरिटी घोषित कर सकते हैं, उसी जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसको बुलाते हैं तो गवर्नर। द चीफ मिनिस्टर टर्म ऑब्वियसली 5 साल, ठीक है, एंड इट्स सब्जेक्टेड टू नो टर्म लिमिट, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार बनेंगे, कितने बार भी बन सकते हैं। चीफ मिनिस्टर इज गिवेन ओथ, चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर किसके सामने ओथ देते हैं, शपथ ग्रहण समारोह करते हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है गवर्नर, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कृष्णा सिंह जो जी फर्स्ट गवर्नर थे, और उन्होंने ही एंट्री करवाई थी देवघर में दलित लोगों की। आपको पता है देवघर पहले 2000 से पहले इंडिया का ही पार्ट, जब बिहार का ही पार्ट था ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, पहले गवर्नर कौन थे इंडिपेंडेंस के बाद, जयराम दास दौलतराम, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं असेंबली के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से होते हैं, जितने टोटल मिनिस्टर होते हैं ना, जैसे हाउस मिनिस्टर, जैसे होम मिनिस्टर हो गए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इन सब मिनिस्टर भी। आपको एक चीज़ पता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एक अमेंडमेंट किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसके बाद से ये प्रावधान है कि जितने भी मतलब टोटल जितने एमपी होंगे, जितने एमएलए होंगे, उसका 15% ही सिर्फ मिनिस्टर बन सकते हैं, 15%, और ये वाला पार्ट दिल्ली में 10% ही है। यानी दिल्ली में आपको पता है ना, दिल्ली में टोटल सीट है 70 लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, और ये एग्जीक्यूटिव वाला हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, आप जो 14 इसका है ना, और आंसर यहाँ से वो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जो 14 हमने किया उसका आंसर है वाला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं लेजिस्लेटिव के बारे, जुडिशियरी के बारे में। जुडिशियरी आपको पता है ना, तो आपको जुडिशियरी में दो चीज़ हमें बताना है कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। अभी देखिए, अमरेश्वर प्रताप शाही, अमरेश्वर प्रताप शाही अभी है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ऑफ पटना के चीफ जस्टिस है, ठीक है। और एक चीज़ और, एक चलिए आप वो पता चल गया, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना है एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार कौन है, एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार है ललित किशोर। आपको पता है ना नहीं सॉरी, एडवोकेट जनरल, हाँ, एडवोकेट जनरल, ठीक है, बिहार के कौन है, ललित किशोर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द जुडिशियर प्रोविजन इन द स्टेट, कौन सा आर्टिकल जिसमें जुडिशियरी प्रोविजन के बारे में, जैसे हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के कौन कौन होंगे, वो सब कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल 214 से 231 के बारे में, ये सब बात लिखा रहता है कि जो हाई कोर्ट के जज होंगे उसको अपॉइंट कौन करेगा, या कितना टेन्योर होगा, ये सब बात, और कि एज कितना होगा, कैसे मतलब क्या क्वालिफिकेशन होंगे, यही सब बात, ठीक है। आर्टिकल 214 से ले से 231, आर्टिकल 226 बहुत फेमस है, आपको पता होगा, आप नहीं पता होगा तो एक बार सर्च कीजिए जरूर। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देखिए, एक चीफ जस्टिस ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट को नाम कौन सजेस्ट करता है, नाम सजेस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और चार सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक कोलिजियम सिस्टम बनती है ना, एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि अभी है रंजन गोगोई जी, और चार सीनियर मोस्ट जजेज सुप्रीम कोर्ट के ही, ये चारों मिलके, पांचों मिलके एक नाम सजेस्ट करते हैं, नाम सजेस्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करता है, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 217 में। द ओथ मतलब जो शपथ होता है एडमिनिस्टर किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब अपना शपथ ग्रहण करते हैं तो किसके सामने करते हैं, ये क्वेश्चन होता है, तो गवर्नर के सामने करते, गवर्नर, और या गवर्नर किसी बंदा को भेजा कि भाई आप इनका शपथ ग्रहण समारोह एडमिनिस्टर कर दो, तो या तो गवर्नर या तो गवर्नर के द्वारा कोई भेजा हुआ इंसान। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज के क्वालिफिकेशन क्या क्या हो गए, पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली
नॉट मोर देन 62 ईयर, क्योंकि ये तो रिटायरमेंट हो जाती है, इससे कम ही होना चाहिए, नहीं तो कुछ दिन तो रहना है ना उनको। एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ जुडिशियल सर्विस और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये तीनों होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हाई कोर्ट जज का रिटायरमेंट एज होता है 62 और सुप्रीम कोर्ट का 65। रेजिग्नेशन ऑफ ए हाई कोर्ट जज इज एड्रेस टू, देखिए हाई कोर्ट जज को अगर किसी कारणवश उन्होंने रिजाइन करना हो तो क्वेश्चन उठता है अब रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? भाई अपॉइंट जो किए हो उन्हीं को तो देंगे, अपॉइंट कौन किया था? प्रेसिडेंट किया था ना, तो प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन लेटर भेजेंगे। देखिए कोर्ट से हाई कोर्ट जजेज या हाई कोर्ट पे ज़्यादा गवर्नर के पास पावर नहीं होता, क्योंकि देखिए गवर्नर का बताया गया है कि गवर्नर का वो लोग कॉन्सेंट मांगते या गवर्नर से कॉन्सेंट मांगते या गवर्नर से कुछ राय विचार लेते, लेकिन गवर्नर तो खुद प्रेसिडेंट के राय विचार पे काम करता है, तो वो क्या रोकेंगे वो, आप खुद सोचो। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, अभी वाला आपने मैंने बता दिया, दो चीज़ मैंने अभी बताया था, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही, 10 नवंबर 2018 को बनाया गया था और नए नए बने हैं, और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है ललित किशोर, ये दोनों आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और मतलब जो कि एडवोकेट जनरल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सलाह देते हैं लॉ के मामले में गवर्नमेंट को, जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके बारे में है। तो आपको बताना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? सर एडवर्ड मेनर्ड कैम्प्स कैमियर, ठीक है नाम याद रखिए, थोड़ा टफ है। ठीक है, इसमें से कौन सा रॉन्ग मैच है? देखिए 217 हाई कोर्ट के बारे में है, ठीक है हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में ये पता ही है, 231 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में है, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, 232 रेजिग्नेशन ऑफ जजे नहीं है, देखिए ये रेजिग्नेशन नहीं है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था 1956, उसके लिए आर्टिकल है 232, तो ये गलत है, मतलब ये रॉन्ग मैच है। ठीक है, BPSC इज ए बॉडी क्रिएटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा ही क्रिएट किया गया है, ठीक है मतलब हमारे संविधान के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। बिहार कहाँ गया? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कब एग्जिस्टेंस में आया? देखिए जब जब बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन तो शुरुआत से ही होंगे, 1 अप्रैल 1949 से ही। द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इनिशियली बिगेन इट्स फंक्शनिंग फॉर द स्टेट ऑफ बिहार विद द हेड क्वार्टर, देखो पहले पूरे बिहार के लिए करते थे ना, जिसमें झारखंड भी आता था, तो उसका हेड क्वार्टर था रांची पहले। नेक्स्ट है द क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द बींग ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया हाँ ये वाला है 62 42, नहीं इट्स 62, तो सिर्फ बी ऑप्शन सही है। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ BPSC, BPSC के पहले चेयरमैन कौन है? तो देखिए आपको अभी वाला चेयरमैन फिर ध्यान रखना है, देखो पहला कौन है? राजन धारी सिन्हा। हु वॉज द पुलिस कमिश्नर सेटअप, मतलब कब पुलिस कमिश्नर सेटअप कमीशन सेट हुआ बिहार में? तो इसका डेट है 1958। लेकिन आपको क्या इसमें अभी याद रखना है, BPSC के करेंट चेयरमैन और यही सब याद रखना, और तो मैंने बता ही दिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आपको याद ही रखना है, गवर्नर आपको याद ही है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपको याद ही है, और चीफ मिनिस्टर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ बिहार याद ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट करते हैं, इसका देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका आंसर है यहाँ पर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर मन हो तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव के बारे में, लेजिस्लेचर कौन होते हैं, यानी इसका हिंदी वर्ड होता है विधायिका, विधायिका मतलब वो लोग जो कानून बनाते हैं, कानून बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जो हम जिसे जिसे हम जिन्हें हम चुनते हैं, मतलब जिसे हम अगर MLA चुने तो वो पार्ट होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य होंगे, विधानसभा के। ठीक है, पहला है व्हेन डिड बिहार एंड बंगाल उड़ीसा, बिहार एंड उड़ीसा वेयर क्रिएटेड एज ए सेपरेट प्रोविंस। देखिए ये बात किया जा रहा है कि बिहार सेपरेट प्रोविंस कब बना था, देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ सबसे पहले आपको, 22 मार्च 1912 तक बिहार बंगाल उड़ीसा एक ही साथ था, तो क्या हुआ कि
दिल्ली दरबार लगता है नवंबर, सॉरी दिसंबर 1911 को लगता है दिल्ली दरबार। उसमें क्या किया गया, बंगाल का जो पार्टीशन था ना, उसको पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बंगाल को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। कैसे, बंगाल से बिहार को निकाल के, मतलब बंगाल से एक पार्ट था बिहार और उड़ीसा, तो बिहार उड़ीसा अभी एक ही साथ है, इसको निकाल दिया गया। कब निकाला, 22 मार्च 2012 को। तो इसलिए 1912 को हम सेपरेट प्रोविंस बनाते हैं, 1912 को इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को ही, ठीक है। और कानूनी तौर पे हमने 1 अप्रैल 1912 से अपना सब कुछ स्टार्ट किया बिहार वाले। उसके बाद बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली पहली बार कब फॉर्म में आया, 1937 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड बिहार गॉट सेपरेट स्टेटहुड, मतलब सेपरेट स्टेटहुड कब मिला था, 1936 में, ठीक है, 1936 में। और 1936 में ही अब बिहार भी अलग हो गया, किससे, उड़ीसा से, उड़ीसा अब अलग हो गया बिहार से। लेजिस्लेचर ऑफ बिहार बिकम बाई कैमरल, बाई कैमरल का मतलब दो हाउस होते हैं, एक होती है विधानसभा जिसमें कितना मेंबर है आपको पता है, विधानसभा में मेंबर है 243 और विधान परिषद में 75। और स्पीकर कौन है, स्पीकर आपको याद होना चाहिए, स्पीकर है विजय कुमार चौधरी, जेडीयू के है विजय कुमार चौधरी, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ लेजिस्लेचर इज देयर इन बिहार, मतलब किस टाइप का लेजिस्लेचर, बाई कैमरा ले तो पता है। फर्स्ट सिटिंग ऑफ काउंसिल वाज कब हुआ था, फर्स्ट काउंसिल की सिटिंग कब हुआ था, 20 जैन 1914 को। बिहार झारखंड सेपरेट 15 नवंबर, देखिए डेट याद रखिएगा, 2000 तो आपको याद रहेगा लेकिन 15 नवंबर बोल सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच लिखा गया है, 168 से लेकर 212 तक लिखा गया है। हु वाज वेन वाज फर्स्ट कैबिनेट, पहली बार कैबिनेट कब एस्टैब्लिश हुआ, 1946 को। और देखिए कैबिनेट बनी 1946 को, सेपरेट स्टेटहुड मिला था 1946 को, और सबसे पहली काउंसिल की मीटिंग हुई थी 20 जनवरी 1914 को, ठीक है। और पहली लेजिस्लेटिव असेंबली पहली बार मिली 1936 को, ठीक है। ये तीन चार डेट है वो इम्पोर्टेंट है। द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने बता दिया था, 243। गवर्नर रिमेन्स इन ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन, देखो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कौन करते हैं, गवर्नर, सेंट्रल लेवल पे कौन गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, सेंट्रल लेवल पे दो मेंबर को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और स्टेट लेवल पे गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ये ऐसा किस आर्टिकल में लिखा गया है कि भाई नॉमिनेट तो करना ही है, तो आर्टिकल 333 के हिसाब से। विधानसभा जो आपने मैंने बोला कि उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा होता है विधान परिषद, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। द क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए जो होती है, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 173 में लिखा गया है एमएलए जो बनते हैं, एमएलए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एज क्या होना चाहिए, वो सिटीजनशिप कहाँ का होना चाहिए, मतलब कहाँ का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार थे सर जेम्स सिफ्टन, लेकिन पहले इंडिपेंडेंट गवर्नर थे, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर थे जयराम दास दौलत राम। क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल ध्यान दीजिए काउंसिल का एज ज़्यादा होता है 35, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आपको पता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दूसरी होती है जो अपर हाउस जिसको बोलते हैं, इसमें किसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, 5 साल नहीं ऐसा कुछ टाइम फ्रेम नहीं होता है, एक तो क्या होती है नॉन डिजॉल्विंग बॉडी होती है, और ऊपर से इसका इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। द क्वालिफिकेशन देखिए 1/3 मेंबर को, जो देखिए इसमें क्या होता है कि जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर है, जैसे 200, जैसे मान लो
243, ठीक है 243, तो इसका 1/3 कितना होगा, 81 होगा ना। तो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 81, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 81 से ज़्यादा मेंबर हो ही नहीं सकता, मतलब 1/3 से ज़्यादा मेंबर, ये किसी भी स्टेट में है, कुछ एक्सेप्शन है लेकिन सब में यही है कि जितना टोट असेंबली में मेंबर है उसका 1/3 ही, 1/3 या उससे कम ही होगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। 35 हमने पिछले ही तो देखा था, तो यानी ये ऑप्शन सही है, सी। व्हाट इज द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट हम लोग पार्टिसिपेट लेते हैं चुनाव में, ठीक है, कि डायरेक्ट हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट होता है, देखिए एक तो इनडायरेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे और ऑप्शन देखते हैं, डी तो बी तो गलत है, थर्ड है, सी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ए भी होता है, सी और ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर है उसके लिए क्वालिफिकेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, 173rd आर्टिकल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड द प्रोविजन रिगार्डिंग बिल, बिल्स जो पास होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसके बारे में, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, 197वें आर्टिकल में। देखिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस आर सेम एज यूनियन पार्लियामेंट इन द टर्म ऑफ मनी बिल, ये सही है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिल सेकेंड टाइम रेफर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिस टाइम काउंसिल हैज नो पावर टू विथहोल्ड। देखिए ये सही है और रीजन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, डी। मतलब देखिए जितना राज्यसभा के पास पावर होता है ना उतना भी पावर नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में बताना है। पहले इसकी स्पीकर थे राम दयालु सिंह, और करंट स्पीकर आपको बताना है, ठीक है, मैंने बताया था आपको याद रखना है बस। द विधान परिषद, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, सॉरी बी। द हेड ऑफ स्टेट ऑफ बिहार इज ए गवर्नर, इज अपॉइंटेड बाय, गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अपॉइंटमेंट टेन्योर इलेक्शन एंड पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ, आर्टिकल 153 से 161। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएटेड ए न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, कब किया था वो आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट देखिए ये पूछ रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि बिहार से उड़ीसा कब हुआ, पूछ रहा है कि पहले बंगाल था, बंगाल को आधा काट के उसमें बिहार, देखिए बंगाल था, बंगाल में यहाँ काट के यहाँ से बिहार उड़ीसा बनाया, लेकिन बिहार उड़ीसा भी साथ में ही है, ये दोनों साथ में ही है अभी। तो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को, वैसे 22 मार्च को अलग हो गया था, लेकिन फॉर्मली 1 अप्रैल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, मतलब फॉर्मली बोल सकते हो ऐसे। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोविजन फॉर लेजिस्लेचर, प्रोविजन फॉर लेजिस्लेचर, देयर फॉर्मेशन, मेंबर इलेक्शन, बिजनेस, डिजोल्यूशन पावर, किसके बाद इसके कौन सा आर्टिकल है, 168 to 212। द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे हुआ था, बांकीपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ झारखंड द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेचर रिड्यूस टू 75, मैंने बताया था ना 75 बच गया है, और 81 से तो ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए था, 81 से कम ही, क्योंकि टोटल है 243, 243 का कितना होना चाहिए, 1/3 ना होना चाहिए, तो 1/3 कितना होगा, 81 होगा, 81 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, 75 अभी भी, पहले कितना था, 96, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ NCERT जोन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुँच सके, थैंक यू सो मच।